तीसरी बार फिर मोदी सरकार पर नहीं 400 पार, जाने किससे मिल रही कितनी सीटें। देश भर में लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 7वें चरण की 58 सीटों पर आज शाम मतदान पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही देश की जनता को इस सवाल का बेसब्री से इंतजार है कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में मोदी सरकार बड़ी जीत के साथ वापसी करती दिख रही है। तमाम एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए 300 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया पोल के मुताबिक एनडीए को 359 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया को 154 सीटें और अन्य को 30 सीटें मिल रही है। लोक पोल के मुताबिक एनडीए को 325 से 335 सीटें मिल रही है। इस एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया ब्लॉक को 155 से 165 सीटें और अन्य को 48 से 55 सीटें मिलेंगी। एनडीटीवी पोल्स के मुताबिक एनडीए को 371 सीटें मिल रही है। इन एग्जिट पोल में यही अनुमान लगाया गया है कि अगले 5 साल के लिए देश में मोदी सरकार बनेगी और एनडीए एक बार फिर तीसरी बार लोकसभा चुनाव का चैंपियन बनेगा।